बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के बेटे रोहित का शव उनके कमरे से मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि रोहित ने आत्महत्या की है, जबकि परिवार को शक है कि रोहित का मर्डर किया गया है। पुलिस के मुताबिक कमरा अंदर से बंद था और उसे रोहित के कमरे से एक बंदूक बरामद हुई है। पुलिस ने बंदूक को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बंदूक लाइसेंसी है या अवैध, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना के वक्त रोहित के पिता तेज बहादुर कुंभ मेले में थे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली थी, जिसमें सैनिकों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया था। वीडियो सामने आने के बाद सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। उन्होंने सारे मामले के लिए आला अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी